तो आज हम डिस्कस करने वाले कॉटलिन में व्हेन स्टेटमेंट होता क्या, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम मेन फंक्शन बना लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अब समझते हैं कि ये व्हेन स्टेटमेंट कॉटलिन में होता क्या है। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है कॉटलिन में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, व्हेन स्टेटमेंट का सिंटेक्स लिखता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसमें हमको कोई भी एक वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या किए, एक वेरिएबल बनाया और उसमें हम एक वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम वैन यहाँ लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट देंगे, फिर उस वेरिएबल का नाम इसमें टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं वन, फिर यहाँ पे एक स्पेस के बाद एरो, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एलन, और इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे वन, और इसी तरह हम कुछ और भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया वन, यहाँ पे टू हम टाइप करके इसमें हम प्रिंट एलन कर देंगे टू। फिर उसके बाद हम इसके अंदर एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम एल्स लिखेंगे, एक डैश और ये एरो दे करके यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देंगे, और फिर उसके अंदर हम प्रिंट एलन लिख देंगे, और उसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि लिख देंगे यहाँ पे हम दिस इज एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज एल स्टेटमेंट, और उस वक्त क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको रन कर देंगे। तो जैसे हम रन करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे वन प्रिंट कर देगा। तो अब हम समझते हैं कि व्हेन स्टेटमेंट काम कैसे करता है और ये यहाँ पे वन क्यों प्रिंट किया। अगर हमको व्हेन स्टेटमेंट यूज करना है तो हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसमें हमको एक वेरिएबल वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे एक हम वेरिएबल बना ली, फिर क्या किया कि हम एक व्हेन बना ली, व्हेन टाइप करके फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस दिए, और जो भी वेरिएबल को हमको यूज करना है व्हेन स्टेटमेंट में उस वेरिएबल का नाम इस पैरेंथेसिस के अंदर हम टाइप कर देंगे, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे वन, फिर यहाँ पे हम लिखे टू, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरिएबल में हमारा वन वैल्यू शो किया हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ये हमारा यहाँ पे हम रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कौन सा वेरिएबल में हमको व्हेन स्टेटमेंट रन करना है। तो यहाँ पे हम ए दिए, तो क्या करेगा, वो ए वेरिएबल के लिए व्हेन स्टेटमेंट को रन कर देगा। फिर उसके बाद नीचे आएगा, फिर वहाँ नीचे आने के बाद एक कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा वन दिया हुआ है और ये हमारा वन को ही प्रिंट किया, यहाँ पे क्यों वन को प्रिंट किया, क्योंकि ये वेरिएबल में हमारा वन स्टोर किया हुआ है और यहाँ पे भी ये हमारा वन है। तो ये दोनों तो हमारा मैच कर गया, इसलिए ये हमारा प्रिंट कर दिया टू। अगर ये हमारा वन के बदले यहाँ पे हमारा टू होता तो ये हमारा प्रिंट कर देता टू, क्योंकि ये इस वेरिएबल में हम टू स्टोर करके रखे हैं और यहाँ पे भी हम टू दिए। तो क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा और ये कंडीशन से चेक करेगा, ये हमारा कंडीशन है, वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू ये, और यहाँ पे ये हमारा आके कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे ये आके हमारा कंडीशन चेक किया, वन पे मिल गया, इसलिए ये वन प्रिंट कर दिया। अगर ये हमारा वन नहीं मिलता तो ये नीचे आता और इसको चेक करता, यहाँ पे अगर मिल जाता तो इसका प्रिंट कर देता, और अगर ये दोनों कंडीशन भी नहीं मिलता तो नीचे एल्स में आता और एल्स वाला को प्रिंट कर देता। तो यही होता है व्हेन स्टेटमेंट। इसमें हम और भी कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टू है, यहाँ पे हम थ्री भी दे सकते हैं, और इसको हम जितना चाहे उतना लंबा हम कर सकते हैं। तो व्हेन स्टेटमेंट हम इसी तरह यूज करते हैं। तो यही होता है व्हेन स्टेटमेंट। व्हेन स्टेटमेंट क्या करता है, एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको व्हेन में टाइप करके उसके बाद हम उसका कंडीशन को मैच कराते हैं। अगर वो मैच करेगा तो सिंपली इसको प्रिंट कर देगा, और अगर वो मैच नहीं करेगा तो ये हमारा एल्स ब्लॉक को प्रिंट कर देगा। तो यही होता है कॉटलिन में व्हेन स्टेटमेंट। इसका पीडीएफ लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना, और सोर्स कोड का भी लिंक होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।